अगर कोई बीच में से आ जाए अचानक से, कोई भी जानवर, तो क्या करोगे? हाँ तो उसको मतलब शांत करेंगे। कैसे? चुप हो जाओ। राम राम जी, सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी ठीक है। सुबह सुबह गड़बड़ हो गया, नहा धो के मस्त उठे, ये वाला कपड़ा पहना मैंने और उसका जैकेट ही गायब हो गया, मतलब मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया, इसलिए मैंने दुपट्टा लेके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है। मतलब बस नहा धो के रेडी हो चुके हैं। कैसे नहीं रहे? हमने रखा, दीदी ने रखा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। पूरा कपड़ा फैला के बैठे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। खाना टाइम यही पहले ले रहा है मेरा खाना, दाल मस्त वाली, मेरी फेवरेट सब्जी प्याज एंड रोटी। आप सब भी खाना खा लो जी, मस्त खाना पीना हो गया। देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। आराम से बैठ के नल पे पानी पी रही है, चुंडी बांध के। आप सभी पानी पी लो, मस्त ताजा ताजा सुनने के हाथ का। यहाँ पे हो रहा है गोली। भाई साहब कहाँ गोलिया मारा की क्या? लड़ाई हो गया। मार बच्ची थे, चिकू मार दिया, चिकू मार दिया, छोड़ दे, मार कर, चल लग गए लाली लिपस्टिक खा के लिए। बड़ी रोनी है, बड़ी रोनी है ना, करना है मिला जबरदस्त लड़ाई। बात सुना आप लोगों ने ना, मतलब एकदम एक गोली के लिए जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। रेडी हो गया, सारा गेम खत्म हो चुका है, तो हम पता है कहाँ चलने वाले हैं? जो हम एक बार जा रहे थे रास्ते में आपको दिखाए थे एक बम बन, मतलब काफी भयानक है उस बन में, मतलब बहुत सारे कारनामे सुने हैं हमने, गए एक बार नहीं है, इतने बड़े हो गए जो कि हमारे बगल में है फिर भी नहीं गए हैं। तो आज हम जाने वाले हैं, जाने मतलब कि समझ लो ना कि महादेव की कृपा से जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे हो रहा है शिव चर्चा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भीड़ होगा ही होगा। दीदी वहाँ पे जाएंगी, मतलब उनका दर्शन भी करेंगे भगवान जी का, और साथ में बन भी देखेंगे कि कैसा बन होता है। मतलब सुनने में ना बहुत डर लग रहा है, बट भगवान जी के मतलब उनके उससे मतलब जा रहे हैं। तो हमारा चल रहा है भाई भी, ताकि डर ना लगे हमको। चलाओ भैया, कैब 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 ले ला। हाँ तो यहाँ तो जाए, बताओ रोल लगा है, गए जाएंगे कभी? हाँ ये जा चुके हैं, इसलिए इनके साथ जा रहे हैं। और सुनी, अब चलते हैं मस्त रामपुर के बन में। आ जाओ रामपुर, चलो चलते हैं। रामपुर का बन का रास्ता, भाई साहब डर लगता है, मतलब बहुत डर लग रहा था सुनने में। आज देखते हैं कैसा क्या होता है, अलग किस्म के जानवर मिलते हैं, तो चले अंदर। इसका एरिया भी ना देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब डराना डराना सा है पूरा। देख ही सकते हो कितने ध्यान से देख रहे हैं सब, और एरिया देख सकते हो पूरा बन बन सा है। कम हो जाती है थोड़ा सा, राहत मिलता है। गिरा हुआ है वहाँ पर आम। भाई साहब बहुत गर्मी पड़ रही है, मतलब चेहरा लाल हो गया। प्लीज वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, लाइक पक्का कीजिएगा और कमेंट तो जरूर जरूर से, क्योंकि आप सबके कमेंट से है ना मुझे ना हिम्मत मिलती है बॉन बीटा वाली। प्लीज कमेंट, जो चैनल पर न्यू है इस टाइम वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करके नहीं जाए। और ये वीडियो आपको मिलेगा सिर्फ सिर्फ यूट्यूब पे, अगर फेसबुक पे आप देखते हैं तो फेसबुक पे ना देखा कीजिए, यूट्यूब पे देखा करिए। इसका नाम है, चैनल का नाम है पूजा गुप्ता। ओके तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी एंट्री हो चुकी है फर्स्ट टाइम, शिव भगवान। आवाज सुनिए, आप सुनाई दे रहा आपको भोले बाबा का गाना हो रहा है। रास्ता महाराष्ट्र, कौन सा रास्ता सही है? सिन्नी चलो पूरा देख लो, भयानक की भयानक है। देखो कहाँ मिला हड्डी, भाई साहब देख लो कोई है नहीं। सिन्नी डर लगा था,
मिनट साइकिल खड़ा है। हाय हाय घर आ सही में हाँ आश्रम है घर में अच्छा ये गलत रास्ते से आगे साथ हम लोग किधर चली आगे से सुनी चला सुनी का बताया हुआ रास्ता गलत है मड़े ही दिखा लो बट मंदिर आगे हो कब भोर में आए दौड़ने कब 3 साल पहले दिखा खाली स्थान मतलब थोड़ा सा कि खाली खाली दिखे यहाँ पे नहीं पूरा भर भर के एकदम जंगल ही जंगल है टायर देखो रखा है दौड़ने के लिए शायद मंदिर हमको दिख गया भगवान जी का अब चलते हैं मंदिर पे दर्शन करते हैं महादेव की दया से आ गए हम लोग अंदर ऐसा लगता है ना कि भगवान जी का दया मेरे साथ है भगवान जी का हाथ मेरे ऊपर है तभी तो आपको नए नए चीज़ें हम डेली डेली करके दिखाते हैं सब उनकी वजह से है तो थैंक यू भगवान जी बस एक सपोर्ट और कर दो जैसा चाह रहे वैसा कर दो बस भाई साहब घंटी मार रही है जाति पाति धर्म वर्ण समुदाय में लौकिक और पारलौकिक सुख तो उनके हाथी घोड़े सभी भाग लिए कि हम लोग कहाँ पे हैं एक बार देखिए हम लोग कहाँ पे हैं बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे आना ना पे आना सफल हुआ मतलब सोच रहे दिखाए कि ना दिखाए लेकिन सोचे नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि खुशी हो रही है ना तो मतलब लेकिन शार्ट क्या था सिन्नी ने हमारे सिन्नी बहुत समझदार होगी हमारी आपको दिखाते हैं वो खुशी जिस खुशी में हम बहुत खुश हैं दिखाते हैं जिस खुशी में हम भाई बहुत खुश हैं भाई एकदम ना दिल खुश हो गया एकदम तो मिलने के लिए कितनी सारी गायें आई हैं अरे वहाँ पे भी डाला देख वहाँ पे ना वहाँ पे बीच में देख लो आप सब क्या हम लोग खाना खिला रहे जितना हमसे हो सकता है तोड़ के पत्ती ये है खुशी दिल को बहुत सुकून मिल रहा है आराम से आराम से आराम से आराम से और खाना खिला के फिर चलते हैं भगवान जी का प्रसाद ही लेते हैं चढ़ गए ऊपर मतलब पूरा छोड़ के ऐसे ही आए थे घूमने के लिए देखते हैं कैसा जंगल है फिर मुझे मिला ये गौशाला जो कि वन के बीचों बीच साइड में है एक बार में काटा था इतना खतरनाक काटा है बबूल का काटा है और तेरी निकाल 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 का नाम है गुरुच गुरुच सिन्नी कुलचारी खाता तेरी सिन्नी बनेगी सुपरस्टार भाई साहब चढ़ गई पेड़ पे सिन्नी काश मेरे पास और कुछ होता हूँ साथ बाय बाय गैया चलते हैं मंदिर पे मंदिर पर से लेते हैं प्रसादी अब चलते हैं यहाँ से हम थोड़ा सा घूमेंगे मन में फिर चलेंगे घर मजा ला मुंह धोया मैंने सब निकल भी गया मेरा मेकअप उतर गया फिर उसी रेस चले जिधर से आए थे हम लोग मन में बन के भी सिन्नी हमारे कपड़े के ऊपर डालिए पत्ती
छीन लेती था पतलिंग छीनता ये देखिए गया दीदी के आम तोड़ने के लिए चार ठोया दीदी बिनो अरे अरे जा साउंड ना ही बा देखते इस बार बक ऐसे मारा लेला इतना कपार मिला कपार गिरा था कपार पकड़ा इतना गिरा कपार तोड़ लू हाँ इतना मिला ए वहाँ पे पेड़ वहाँ पे गिरा था हम अरे वहाँ पे ज्यादा पे आम हाँ एक आम डंडा मिल जाए ना भाई साहब इसमें बहुत आम गिरेगा एक पेड़ वहाँ पे तीन चार पेड़ पीछे सारे पेड़ में आम आम है ये लास्ट आम है खा लेते हैं फिर कहाँ मिलेगा फिर तो पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेगा तो फिर फ्री में मिल रहा तो खा सकते हैं ना आम पका हुआ है ना अब इसको भाई गिराएगा डंडे लेके आए खोज के बहुत मेहनत से गिर जाए दो तीन जगह घाव लगा ऐसे ऐसे करके हमको ये आम ऐसे नहीं मिला है फिर गिरे हम तो पागल हो जा रहे हैं आम देख के पूछो मत हाँ अब सब भी आम खा लो मीठा मीठा ब्लड निकल रहा है हाथ में भी लगा चोट पैर में भी लग गया चोट इतना खून कैसे निकला था एक चक्का मारे एक आम गिर गया भाई साहब हम भाई साहब पक्का पक्का हम इसको खाएंगे अभी अभी आम खाओ हाँ कौन सी जाता है अग्रहरी हमने आम पूछ के तोड़ा था एक आंटी जी थी उन्हीं से पूछा मैंने देख लो भाई साहब आम ही आम है सिंधियाज बहुत आम निकल ना ये आप सोच सकते हैं कितना मेहनत हम लोगों ने किया है भाई साहब इतना आम से नहीं अब यहाँ जा रहे हालत ख़राब इतना आम तोड़ लिया आम दोनों ने भाई क्या साइकिल लाने चलते हैं क्योंकि साइकिल खराब हो गया लोड तो इसलिए से नहीं बैठे कि वहाँ पे हम चलेंगे आप और बारिश भी स्टार्ट हो गया है तो फटाफट चलते हैं यहाँ से आ गए घर और मस्ती मस्ती चक्कर में हम लोग कल खाते हैं आम भाई साहब पक्कल पक्कल आम से नहीं धो भी दिए ऐसे आम कौन खाता है आप सब भी आम खा लो पक्का पक्का मम्मी आम कैसे ना वेट 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 तीनों लपट गए हैं हम भी लपटे हैं हमें दे दो कुछ क्या बना रही हो पानी डालेगी नहीं फिर पानी मत डालो खाने मजा नहीं आएगा फिर ऐसे रहने दो दीदी पानी आखिर में डाल दी डैडी सब्जी एंड रोटी ये हमारा इसलिए दोनों का खाना एक ही है आप सब भी खाना खा लो जी फटाफट खाते हैं खाना क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे हैं आज खाना पीना हो गया बस आज का ब्लॉग करते खत्म कल हम लोग जाने वाले हैं हासनी रामेश्वर मतलब आप मतलब कि सावन का महीना चल रहा है तो बस समझ जाओ आप मतलब सावन में कहाँ जाते हैं क्या करते हैं बस कल वही जाना है और घर से दूर जाना है फिर मुझे उठना पड़ेगा 4 बजे तो मुझे फटाफट करना है बहुत सारा काम भाई साहब बहुत थोड़ा ज़्यादा काम है क्योंकि कल मुझे निकलना है इसलिए अब ये सीनी तो सो जाएगी जाएंगे अभी जाकर ब्लॉग करते हैं खत्म वीडियो अच्छा हो तो वीडियो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट आगे आ जाओ पीछे से और रास्ते भी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे साथ चलते रहिए राम 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 अरे राम 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 राम